प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य ही तो है, तो मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूँ। नालंदा केवल एक नाम नहीं, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है और गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुरानी सरकार बात नहीं सुनती थी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए कई बार उन्होंने अनुरोध किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर का भी दौरा किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी कैंपस में पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में 17 देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। जब भारत कहता है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। इसलिए नालंदा के विद्यार्थियों का दायित्व और ज्यादा बड़ा है। आप भारत और पूरे विश्व का भविष्य है। अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम है। ये 25 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यहां से निकलकर आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप पर अपनी यूनिवर्सिटी के मानवीय मूल्यों की मुहर दिखनी चाहिए। आपका जो लोगो है उसका संदेश हमेशा याद रखिएगा। आप लोग इसे नालंदा वे कहते हैं ना, व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामंजस्य, व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य आपके लोगों का आधार है। आप अपने शिक्षकों से सीखिए, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे से सीखने की भी कोशिश करिए। बी क्यूरियस, बी करेजियस एंड अबाउ ऑल बी काइंड। अपनी नॉलेज को समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग करिए। अपनी नॉलेज से बेहतर भविष्य का निर्माण करिए। नालंदा का गौरव, हमारे भारत का गौरव आपकी सफलता से तय होगा। मुझे विश्वास है आपके ज्ञान से पूरी मानवता को दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हमारे युवा आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। मुझे विश्वास है नालंदा ग्लोबल कॉज का एक महत्वपूर्ण सेंटर बनेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और नीतीश जी ने सरकार की तरफ से पूरी मदद का जो आह्वान किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। भारत सरकार भी इस विचार यात्रा को जितनी ऊर्जा दे सकता है उसमें कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इसी एक भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।